आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे छोटे से आमंत्रण आपको बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि समाजवादी पार्टी का टिकट आज से 2-3 महीने पहले हो गया था, लेकिन यहाँ तरह तरह के अफवाहें लगातार चलती और उसमें कई प्रत्याशियों के भी नाम आते रहे, जी का नाम भी आया और भी कई लोगों के नाम मोबाइल में भी चलते थे, अखबार में भी चलते थे, आपके चैनल देखने को मिला और कुछ ऐसे लोग मैं किसी पर आरोप लगाना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय पार्टी द्वारा हवा फैलवा जाती रही और उसमें टिकट कट गया, फिर हो गया, फिर हो गया, ऐसा बार बार इस प्रकार हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये आपके चैनलों में भी चला है, अखबारों में भी आता है और आज आज पुनः है हमारा बहुत साथी के साथ नामांकन हुआ है, लेकिन उसके पहले से और अभी तक सुनिया गंगो के रोजन के लोग बैठे हो और एक ही यही हो रहा है, टिकट कट गया लोगों ने यहाँ से कहा तो हमको मिला था, अपना पक्ष आकर चलते हमारा बड़े रूप में सभी कार्यकर्ताओं को लेकर कल फिर हम दो प्रतियों में जा रहे हैं, ना टिकट कहीं कट रहा है और ना कटेगा, चुनाव हम लड़ेंगे और चुनाव हम जीतेंगे, ये जनता के बीच में जाने से पता चल आप सब जगह पहुंच जाते हैं, शहरों में भी ध्यान रखना पड़े वहाँ तो बाकी जानकारी आपको भी है, किस का समर्थन बात हमारे इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, क्योंकि सामने जो प्रत्याशी है 10 साल लगातार जनता के बीच में नहीं गए हैं, इसलिए जनता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सरकार में जिस प्रकार से चाहे लोग हो चाहे संविधान हो, लगातार कुठाराघात किया जा रहा है।